हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? सो बेसिकली जो है, आज हम जो बात करेंगे CSEET के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी CS करना चाहते हैं, ACSI.edu आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली जो है आपको ऐसा ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ आपको जो है कोई भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं डालना है, आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा। ठीक है, आपको CSEET रजिस्ट्रेशन चेक कर पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपको जो है इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपका होम पेज रहता है आपकी, अगर आप चेक करेंगे। ठीक है, सो पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। आप अपना जो भी फोटोग्राफ है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो है आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास PDF में, JPG में यूज कर सकते हैं, फोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। बेसिकली कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो है कुछ फीस कंसेशन होता है, मतलब कुछ फीस माफ होती है। इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट जो है खुद ही फैसला करता है कि कौन से स्टूडेंट को कितना फीस माफ हो सकता है। तो अगर आपका किसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो है JPG, PNG, PNG में या PDF में हो सकते हैं 2 MB तक। अगर हम फोटो की बात करें तो 20 KB से लेकर 50 KB में, और सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से लेकर 20 KB में ही केवल आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपने ये सब तैयार कर लिया है, आगे प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड टू CS रजिस्ट्रेशन का आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है फिल करनी होती है। ठीक है, ऐसा पेज आपको शो करेगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन बेस शो करेगा, ये पूरी डिटेल्स शो करेंगे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो है शो करेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन में 3 ऑप्शन है, 10+2 है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग इक्विवेलेंट, मतलब 10+2 के अलावा जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो इक्विवेलेंट माने जाते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो है अपियरिंग है तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो है इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आपको अपना प्रॉपर नाम लिखना है। ठीक है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है आप। ठीक है, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलाइज, आपका मोबाइल नंबर 2 बार आपको एंटर करना है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हैं तब तक आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका जो कम्युनिकेशन मोड केवल यही दोनों रहेगा। फिल करने के बाद जो है, प्रॉपर फिल करने के बाद सभी डिटेल्स आपको, आपकी डिटेल्स सिटी जो है, इवनली आपको अपना CSEET का सेंटर भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अपने डिटेल्स, एक यूनिक आईडी होती है जो आपको यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, और ये यूनिक आईडी आपको संभाल के रखनी है पूरे CSEET, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आता तब तक ये आपकी हेल्प करेगा। जब आप जो है पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलता है। ठीक है, और ये यूनिक आईडी जो है आपको अपने मैसेज में और मेल भी मिलता है। ठीक है, तो ये करके जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड देन फीस की डिटेल्स आएगी कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। आपको पता होना चाहिए 1000 रुपीज जो है CSEET की फी होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और ये CSEET का रजिस्ट्रेशन जो है 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, विद इन 1 ईयर अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो अगर आपने पास भी किया हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको दोबारा CSEET में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में अभी आपको केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन शो करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो है अभी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में जो है आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, ऐसा सेलेक्ट करके ना अपलोड कर देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात अभी की थी, अगर वो है आपके पास तो आप वो सेलेक्ट करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब आप CSEET पास आउट कर लेते हैं, CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सभी डॉक्यूमेंट से मतलब है आपका 10+10th का जो है मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका जो है 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट,
इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको सभी डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। अभी जरूरत नहीं होती, आप सिंपल सा ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो प्रॉपर आप चेक करेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि अगर आप CSEET पास करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव के टाइम पे जो है अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करते हैं, अपलोड नहीं करते हैं, तो आपके जो ये रजिस्ट्रेशन है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट सभी को पढ़ करके जो है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड ये आप जो है जो भी डिटेल्स आप दे रहे होंगे ये को भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, दैट जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं ये सही है आपके हिसाब से। ठीक है, इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर नीचे हम चेक करें तो ऑप्शन है JPG में, PNG में इमेज फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 2 MB, शुड बी लेस देन 2 MB। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, एटलीस्ट फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन शो करेगा, प्रीव्यू को मतलब जो भी डिटेल्स आपने एंटर की है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, सही है तो प्रोसीड करके आगे करेंगे, तो पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, बिल डेक्स या फिर अदर मोड जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपना 1000 रुपये पे करेंगे, आपको रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट को संभाल कर रखिएगा। ठीक है, एंड ये था बेसिकली CSEET के लिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।